हेलो एंड जय हिन् स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी और यस वी आर लेट एंड आई एम रियली रियली सॉरी बिकॉज वी वर लाइव आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड समथिंग वेरी अनयूजुअल सिस्टम कोलैप्स्ड आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि हे hey भगवान आज का सेशन है बहुत जरूरी मेरे सुपरस्टार्स मेरा वेट कर रहे हैं एंड ही लिसन टू मी रियली ही लिसन टू मी बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स आपकी दुआएं काम आ रही हैं और हम हैं लाइव यस थोड़ा देर जरूर लगी बट वी आर लाइव विथ योर ब्लेसिंग्स तो लास्ट मिनट रिविजन ऑफ सेंस ऑर्गन बस सेंस ऑर्गन में ये पढ़ लो तो हो जाएगा सेंस ऑर्गन फिनिश वैसे ये चैप्टर डायग्राम बेस्ड है इसमें से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने हैं श्योर शॉट जी तो सेंस ऑर्गन तो सर हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन में पढ़ा है सेंस ऑर्गन पांच होते हैं हाँ पांच सेंस ऑर्गन सर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और वो सेंस ऑर्गन सर हम आपको बता सकते हैं कि टंग टेस्ट करने के मदद करता है ईयर्स यस ईयर्स सुनने मदद करते हैं नोज स्मेल करने मदद करता है तो आई देखने मदद करता है तो स्किन टच या यस पेन प्रेशर बताता है जी पर आपको क्या यह भी मालूम है कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स भी हैं जी रिसेप्टर्स कहाँ हैं पूरी बॉडी हर एक पार्ट में फ्रॉम हेड टू टो आपकी बॉडी रिसेप्टर से भरी हुई है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी तो ये सेंस ऑर्गन हमें क्या करते हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इनवायरमेंट से हमें अवेयर कराते हैं हमारे बाहर क्या चल रहा है धूप है बारिश है सर्दी है गर्मी है आंखें बंद रहे हैं तब भी आप बता दोगे कि अभी कैसा मौसम है क्यों बता दोगे कि नहीं बता दोगे यस आपके स्किन के यस पसीने से पता चल जाएगा कि पंखा नहीं चल रहा है सर यहां पे तो एसी भी नहीं चल रहा है सर देखा तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है पेट में भूख लगी है चूहे दौड़ रहे हैं हाँ जाना है इंटरनल एनवायरनमेंट तो ये सारे क्या है? organ करते हैं हैं सेंस करते ये हमारे एनवायरनमेंट से हमें अवेयर कराते हैं इनके लिए इनके पास क्या होते हैं इन सेंस ऑर्गन के लिए इन सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स होते हैं रिसेप्टर्स एक तरह का स्पेशल टिश्यू होता है जो किसी पर्टिकुलर को एक निश्चित स्टिमुलाय को बताता है Stimula? हाँ हांुलाय एक तरह का एक्सटर्नल एजेंट है जो हमारी बॉडी में वेव ऑफ इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस करता है कौन स्टलाय ठीक है थीके? अब पाया पाया जाता जाता है है स्किन में ताकि आप पहचान पाओ कि कोई आपको यस टच कर रहा है आप देखो मत यस आंखें बंद करो तब भी कोई कहीं भी छुएगा आपको हाथ में गर्दन में पीठ में आपको पता चल जाएगा कोई प्रेस करेगा हाँ स्विच उठा तो भी पता चल जाएगा कैमो रिसेप्टर क्या बताता है आपको टेस्ट बताता है टंग आपको स्मेल बताता है आपका नोज दोनों में कैमो रिसेप्टर है ठीक है फोटो रिसेप्टर आपको बताता है लाइट के बारे में light, है ना लाइट टिम है कि कलर है और कलर है तो कौन सा कलर है कौन बताता है फोटो रिसेप्टर थर्मो रिसेप्टर जी रिसेप्टर बताता है यस yes, टेम्परेचर के बारे में हॉट है कि कोल्ड है हाँ ना कोई ग्लास ऑफ वाटर हॉट होता है कोल्ड होता है आपको पता चल जाता है यस yes. थर्मो रिसेप्टर और फोनो रिसेप्टर ईयर में मौजूद है साउंड बताता है और साउंड किसकी है ये तक बता देता है आता है अब आईज क्योंकि हमको इन पांचों सेंस ऑर्गन के बारे में नहीं करना है हमें करना है डिटेल में आई आई के सारे पार्ट्स आई का लेबलिंग और ईयर का बेसिकली फंक्शन जी आईयर का यस लेबल्ड फंक्शंस करने बस चलिए तो स्टार्ट करते हैं आई कहां मौजूद है आई सॉकेट में मौजूद होती है सॉकेट क्या होता है सर ये जो हमारा स्कल है खोपड़ी है इसमें जो छेद बने हैं इसके अंदर मौजूद होती है यस यहां इस गड्ढे के अंदर इस डीप गड्ढे के अंदर मौजूद है हमारी आई इस सॉकेट के अंदर तो सॉकेट होता है डीप उसके अंदर हमारी आई मौजूद है आई के पास होती है आई लीड आई लीड मतलब ये यस yes, जो आई लिड जो हमें क्या करता है शटर का काम करता है आई को ओपन करना होता है आई लिड ऊपर चले जाती है या सोते हैं तो आई लिड नीचे कर देते हैं खत्म तो क्या करता है शट आउट द लाइट करता है सरफेस ऑफ द आई को कवर करता है फिर आता है आई ब्रो यस आपने कभी सोचा है कि आईब्रो एक बड़ा कमाल का, का काम करता है यस आपकी ब्यूटी देता है यस आईब्रो हटा दो तो, तो आप शायद पता नहीं कैसे अजीब चलोगे आईब्रो बहुत भर दो यस खूब थिक हेयर कर दो तो भी बहुत अजीब लगोगे यस और लेडीज तो आपको मालूम है आईब्रोस के लिए वो शायद पसीना बह रहा है तो ये पसीना रेनड्रॉप क्या होगा बहता हुआ इधर चला जाएगा आंखों के अंदर नहीं जाएगा आई ड्रॉप नीचे नहीं उतरेगा बल्कि साइड में चला जाएगा तो आई ड्रॉप कोस रेनड्रॉप को रादर और प्रेस्पिरेशन को क्या करता है पसीने को क्या करता है रोकता है और क्या मौजूद है यस ध्यान से देखिए लेक्रिमल ग्लैंड इसी का नाम है टीयर ग्लैंड लेक्रिमल ग्लैंड का नाम है टीयर ग्लैंड ये मौजूद है आइए अब देखें। टीयर ग्लैंड को टीयर जोड़ा गया है नेसो लेक्रिमल डक्ट क्या नाम है नेसो लेक्रिमल डक्ट। ये डक्ट क्या करता है ईयर को यस सॉरी नोज को नोज को आई से कनेक्ट करता है इसीलिए कभी कभी आप नोज में अगर कोई सॉरी आई में अगर कोई ड्रॉप डालो आई ड्रॉप डालो अगर आंखों पे तो नोज पे उसकी क्या होती है स्मेल आने लगती है डालते आंख पे नोज में स्मेल आती है क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं इस डप से जुड़े हुए हैं ध्यान दीजिएगा अब आता है फंक्शन ऑफ टीयर्स टीयर्स के फंक्शन तो को आपको आना चाहिए आंखों को लुब्रिकेट करता है आंखों की सतह को गीला करता है आपके आंखों से डस्ट पार्टिकल को वॉश अवे कर जाता है जॉन्स किल कर देता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता है आपके इमोशंस आप खुश होते हो तब भी रोते हो यस yes! अभी टेंथ फिनिश होने वाला है और आपके खुशी के आंसू आने वाले हैं और इवन जब आपका रिजल्ट तगड़ा आएगा यस yes! जब आप रिजल्ट फोड़ डालोगे तो भी आपके खुशी के आंसू आने वाले हैं मुझे पूरा यकीन है यस yes! मैं पूरा बिलीव करता हूं क्योंकि हमने और आपने मिल करके यस ये सेशन बहुत तगड़ी तैयारी की है और इलेवेंथ को यस और ट्वेल्थ को आपके और जबरदस्त बनाऊंगा ये मेरा वादा है क्योंकि आपने कहा है यस सर मैनी ऑफ माय सुपरस्टार्स हैव स्टार मी कि सर इलेवेंथ में साथ मत छोड़िएगा इलेवेंथ में भी यस उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे तो आप कहें और सर न बनाए ऐसा कभी संभव नहीं है चलो कॉन्जेक्टिवा की बात करें अब आइस की सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर का अगर मुझसे पूछोगे एक थिन ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग होती है आइस के ऊपर नाम है कॉन्जेक्टिवा जी आंखों के ऊपर की सबसे पहली लेयर होती है कॉन्जेक्टिवा और यहां पर कभी कभी क्या होता है कोई वायरल इंफेक्शन आ जाता है नाम होता है कॉन्जेक्टिवाइटिस जी कॉन्जेक्टिवाइटिस आंखें लाल पड़ जाती है कभी कभी लोग कहते हैं अरे तुम्हें आंखें आ गई हैं सबको देखो मत सबको आंखें आ जाएगी कभी ऐसा सुना है आपने हाँ पूरी आंखें रेड है हर समय आंख से क्या होता है यस पानी निकलता रहता है लगता है आदमी रो रहा है हर समय पूरी समय आंखें लाल लाल होती है लोग चश्मा पहन के बैठे रहते हैं घर में भी रहते हैं तो चश्मा पहन के बैठे रहते हैं तो उनको बीमारी होती है उनको प्रॉब्लम होती है कॉन्जेक्टिवाइटिस हालांकि बहुत दिनों तक नहीं चलती है डोंट वरी ये वायरल इन्फेक्शन है बहुत समय तक नहीं चलता है हाँ

व्हाइट फाइब्रस लेयर होती है क्या नाम है स्क्लेरेटिक सेकेंड लेयर का नाम है में कोरोइड कोरॉइड यस आंखों की लेयर की बात कर रहे हैं आई यस yes, अगर आपका आई बॉल ये है तो आंखों की लेयर की बात कर रहे हैं सबसे ऊपर की लेयर मैं जान के ऐसा डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए सबसे ऊपर की लेयर है स्क्लेरा स्क्लेरा ठीक उसके नीचे की लेयर है सेकेंड लेयर है ये थिक लेयर है जो कि रिचली सप्लाइड विद ब्लड है देखिए मैंने लाइन बनाई है वाली क्या नाम है इसका नाम है लेयर 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 क्या लेयर. सेकंड लेयर है और उसके उसके अंदर अंदर यस नीचे वाली लेयर यस तीसरी लेयर है यस इसका नाम है रेटिना क्या नाम है रेटिना सबसे अंदर की लेयर इनर मोस्ट लेयर है रेटिना तो तीन लेयर से बनी हुई है आइस क्या तीन लेयर से बनी हुई है आइस थर्ड लेयर आखिरी लेयर का नाम क्या बताया मैंने रेटिना अब आइए आपको दिखाते हैं यस yes. अब आइए इनके अंदर के पार्ट के बारे में एक एक करके बताते हैं सबसे पहले बात करेंगे हाँ स्क्लेरा मैं सब पे वन वन नंबर दूंगा स्क्लेरा का में सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया यस yes. क्या पायाता है इसके अंदर कॉर्निया कॉर्निया कहाँ है आइए डायग्राम में दिखाते हैं ये रहा आपको कॉर्निया किसके अंदर पाया जाता है स्क्लेरा नाम की लेयर में यस yes. स्क्लेरा का ही पार्ट है इसलिए वन वन लिख दिया था आपको आपको याद रहे

इसी लेयर में बहुत सारे पार्ट्स पाए जाने वाले हैं ध्यान से देखिएगा हर एक पार्ट्स को मैं थोड़ा बोल्डली भी दिखाऊंगा किसमें कोरोइड कोरोइड में कोरोग में।, कोरोग में ही सबसे पहले पाया जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट नंबर टू इसलिए डाला ताकि आपको याद रहे कि इस कोरोइड लेयर जो है सस्पेंसरी लिगामेंट का पार्ट है कोरोइड लेयर सबसे रिचली सप्लाइड विद ब्लड है यस और आंखों का सबसे मेजर काम क्या है यस देखना देखने में सबसे मेजर रोल प्ले करती है ये कोरोइड लेयर कैसे क्योंकि इसमें है आयरिस आयरिस क्या होती है सर आयरिस एक सिलेंड्रिकल मसल होती है कैसी मसल होती है रेडियल मसल ऐसी राउंड मसल होती है है ना ऐसे बढ़ जाती है तो स्पेस ज्यादा आ जाती है ठीक है ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी यस yes, मैंने कहा रेडियल मसल होती है इसे राउंड सी मसल होती है ऐसी छोटी सी मसल होती है है ना जैसे कि कैमरे में होती है गोल खुल जाती है यस yes, रेडियल मसल होती है तो ये मसल क्या करती है जब ये मसल जिसे हम आयरिस कह रहे हैं ये खुल जाती है तो ज्यादा लाइट एंटर आ पाती है इस एम्प्टी स्पेस का नाम है प्यूपिल प्यूपिल कोई पार्ट नहीं है प्यूपिल कोई पार्ट नहीं प्यूपिल वो स्पेस है जरा मेरी आंखों के बीच में यस सर्कल के बीच में एक लेयर देखो दिख रही है चलो क्या करना अपनी आंखों को ध्यान से देखना यस मेरी नहीं अपनी आंखों को ध्यान से देखना तो आपको अपनी आंख ऐसे फ्रंट में ऐसे राउंड दिखाई देगी तो ये है कॉर्निया अब आप ध्यान से दीजिए देखिए ये है आइरिस अब आइरिस एक राउंड सी मसल है सिल्वरी मसल है जो आंखों को कलर तक देती है यस yes, ऋतिक रोशन की आंखों का रंग ग्रीन है ना यस ग्रीक गॉड लगता है देखने में तो इस आयरिस की वजह से या वो कैटरीना की आंखें भी कलर्ड है ना शायद हाँ तो ये बीच में देखोगे आप यस yes. बीच में देखोगे एकदम डार्केस्ट लेयर होगी ये है प्यूपल में डार्क कर भी दे रहा हूं यस yes. यस को yes. अपनी आंखों को क्या करना यस yes. अपने मोबाइल में या अपने मिरर में में जाके जाके देखना देखना पास देखना. आपको ये जरूर दिखाई देगा मेरे कहने पे बार अलाउ ये, ये, ये. करता है जितना गैप छूट जा रहा है बस उतना पोर्शन का नाम है क्या प्यूपिल देखिए प्यूपिल तो नंबर टू डाल दू उसका भी टू नंबर क्यों क्योंकि सेकंड नंबर की लेयर का ही पार्ट है प्यूपिल भी। सेकंड नंबर की लेयर क्या है कोरवाइड और लेंस भी इसी इसी देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट को होल्ड कर सस्पेंसरी लिगामेंट ने सस्पेंसरी लिगामेंट ने लेंस को पकड़ रखा है और सस्पेंसरी लिगामेंट को किसने होल्ड कर रखा है सिलरी मसल तो देखा लेयर नंबर 2 में कितने सारे पार्ट हैं 1 2 3 4 5 लेयर नंबर टू में सारे पार्ट है इन सब का जिक्र यहां पर है इसमें है आयरिस आयरिस क्या करती है लेंस को कवर करती है पार्शली और एक सर्कुलर सा ओपनिंग छोड़ देती है इस सर्कुलर ओपनिंग का नाम है कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट तो जब आप डिम लाइट में होते हैं जब लाइट कम होती है अपने आप प्यूपिल बड़ा हो जाता है मालूम है कि नहीं है और जब बहुत ज्यादा ब्राइट होती है दिन में जब आप घर से बाहर निकलते हैं या कहीं ये ओपन लाइट पे सनलाइट में निकल रहा हो तो अपने आप ही प्यूपिल छोटा हो जाता है अपने आप ये ब्रेन द्वारा कंट्रोल हो रहा है ठीक है यस यहां से देखिए अब आता है तीसरा और आखिरी लेयर तीसरी लेयर का नाम है आपकी रेटिना में कलर चेंज कर रहा हूं तीसरी लेयर का नाम है रेटिना रेटिना एक्चुअली रॉड्स और कॉन सेल से बनी है सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये आगे आती भी नहीं है रेटिना देखिए बस यहीं से शुरू होती है देखिए रेटिना अंदर से शुरू हो रही है बाहर नहीं आ रही है रेटिना रेटिना में मौजूद होता है रॉड्स और कॉन सेल्स रॉड सेल्स और कॉन सेल्स रॉड सेल्स डिम लाइट देखने में मदद करती है जिस समय लाइट नहीं रहती है अर्थात रात के समय रॉड सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और कौन सेल्स कलर लाइट देखने में मदद कर? सी से कौन, सी से कलर? ऐसे कर लो ठीक है सी से कौन सी से कलर तो जब ब्राइट कलर होता है दिन के समय होता है और दिन के समय कौन सेल्स एक्टिव होती है तो रॉड्स में रोडोप्सिन क्या रॉड्स में रोडोप्सिन नाम के पिगमेंट पाए जाते हैं और कौनस में आयोडॉपिन यस कौन सा आयोडॉप्सिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है रॉड्स में रोडोप्सिन और कॉन्स में आयोडॉप्सिन पिगमेंट पाया जाता है दोनों कहां पाया जाता रेटिना सो की सबसे इनर मोस्ट लेयर है फ्रंट में रेटिना नहीं आती देखिए फ्रंट हिस्से में रेटिना का कोई रोल नहीं है सिर्फ बैक हिस्से में रोल है पर जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्स पाई जाती है उसका नाम है यस ये भी पार्ट नंबर 3 का हिस्सा है इसलिए 3 लिख रहा हूं पार्ट नंबर थ्री कौन रेटिना का हिस्सा है नाम है येलो स्पॉट या मैक्यूले लुटे मैक्यूले को किसी ने लूट के ले लिया इसीलिए नाम है मैं कि जो कर रहा हूं जो कर रहा हूं ठीक है यस बायोलॉजिकल नेम हां येल्लो स्पॉट का नाम है और यही येल्लो स्पॉट में आता है ब्लाइंड स्पॉट जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ नो विजन यहां पर कोई भी सेंसरी सेल्स मौजूद नहीं है इसीलिए इसका नाम है एरिया ऑफ ब्लो मिशन कहा मौजूद है ये ब्लाइंड स्पॉट ठीक ऑप्टिक नर्व के ऊपर और ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है ब्रेन में इंपल्स ले जाती है इंपल्स टू ब्रेन कैरी करती है ब्रेन को कैसे पता चला कि आप सर तरुण को देख रहे हैं ये सर तरुण है कैसे आपको पता चला कि सर तरुण पानी आपके सामने है क्योंकि आपके ब्रेन में, में मेरी इमेज फिट बैठ गई है बैठ गई है ना ठीक और आप आंख बंद करते हैं और आपको मेरी आवाज मेरी आवाज फोनो रिसेप्टर आपके ईयर से और मेरी इमेज येस, येस, मेरी इमेज इस नर्व नर्व ऑप्टिक द्वारा, इसका थोड़ा सा एक डायग्राम को देखते हैं फिर से मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़े स्ट्रक्चर में आपको समझाना चाहूंगा थोड़ा सा इस डायग्राम को ये इलेबरेट कर दू ये रहा स्क्रीन पर आपके एक यस नॉन कलर डायग्राम जो कि आने की पूरी चांसेस है यस yes, ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर में सबसे आउटर मोस्ट लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर को सबसे बाहर कर दो यस yes, कर दिया मैंने बाहर इस लेयर का नाम है कॉन्जेक्टिवा ये सिर्फ फ्रंट हिस्से में पाई जाती है देखिए मैं कलर कर रहा हूं रेड कलर से मैंने एक लाइन खींच दी है सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट लेयर है सबसे ऊपर आउटर मोस्ट लेयर है आप अपनी आंखों को ध्यान से देखेंगे या किसी की आंखों को भी अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर से प्लास्टिक टाइप की लेयर होगी ऐसा ने पॉलिथिन आंखों में चढ़ा दिया वो पॉलिथिन है ये कॉन्जेक्टिव ठीक है और उसके बाद सेकेंड लेयर आएगी यस यहां से शुरू हो रहा है हाँ सेकेंड लेयर नहीं बोल रहा हूं उसको बोलूंगा एक्चुअली में हाँ अब लेयर शुरू हो रही है कौन सी स्क्लेरा स्क्लेरा का पार्ट है कॉर्निया लिख रहा हूं वन ठीक है क्योंकि स्क्लेरा का पार्ट है दूसरा ध्यान देंगे यस दूसरा पार्ट ध्यान देंगे तो स्क्लेरा के बाद यस जिसको के बाद अब सारा पार्ट किसके अंदर है ध्यान दीजिए थोड़ा ब्राइटली देखेगा क्या होने वाला है कलर चेंज कर रहा हूं हा अब जो टू लेयर के नंबर के लेयर है यस ये रही स्क्लेरा और ये रहा जो सेकेंड लेयर है यस इसी का नाम है कोरॉइड लेयर क्या नाम है

सेकेंड नंबर की लेयर है कोरोइड टू लिख दे रहा हूं सेकेंड नंबर की लेयर तो कोरोइड लेयर में आपको दिखेगा सबसे पहले सस्पेंसरी लिगामेंट सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है होल्ड करता है किसको लेंस को आई लेंस को होल्ड करता है सस्पेंसरी लिगामेंट ठीक है मिल गया और सस्पेंसरी लिगामेंट को कौन पकड़ के रखता है यस सिलियरी मसल सिलियरी मसल किसको होल्ड करती है इस आई लेंस को होल्ड करती है देखिए इस आई लेंस को ये सस्पेंसरी लिगामेंट पकड़ रहे हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट को यस yes, होल्ड करता है हैसल सिलरी राउंड में मसल होती है यही सिलेरी मसल क्या करती है जब एक्सटेंड हो जाती है रेडियल मसल एक्सटेंड हो जाती है तो छोटा स्पेस बनाती है नाम हो जाता है प्यूपिल यस yes, प्यूपिल कोई पार्ट नहीं है प्यूपिल कोई पार्ट नहीं बस स्पेस है यस yes, देखिए ये आयरिस रहा ये आंखों को कलर भी देता है ये रहा आयरिस ठीक है आंखों को कलर भी देता है और क्या करता है अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है अगर आयरिस बड़ा हो गया यस आयरिस ज्यादा दूर चला गया तो क्या होगा ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी क्योंकि प्यूपिल बड़ा हो जाएगा और आयरिस अगर पास में आ गया तो लाइट कम एंटर कर पाएगी प्यूपल छोटा हो जाएगा ठीक है क्लियर है अब तो क्लियर हो गया अब आइए वापस आइए आपको ले चले अगली लेयर पर यस अब लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है यस yes, वो लिक्विड भरा हुआ है एक चैंबर में नाम है एक्वस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर यस एक्वस चैम्बर में भरा हुआ है लिक्विड नाम है एक्वस ह्यूमर मिला आपको मैंने ब्लू कलर कर दिया आपको ब्लू कलर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा यस yes. ये लाइट के रिफ्लेक्शन को मदद करता है ये ब्लू कलर का लिक्विड मौजूद है इस चैम्बर में नाम है एक्वस ह्यूमर और लेंस और रेटिना के बीच में भी एक चैम्बर है लेंस और रेटिना के बीच में भी बड़ा सा चैम्बर है इसका नाम है विट्रस चैम्बर और यहां पर है विट्रस ह्यूमर आप देख पा रहे होंगे यस कर दू कलर यस एक तरह से ये पूरा लेंस और रेटिना के पीछे यस ये पूरा जो ब्लू कलर देख रहे हैं आप जो मैं शेड कर रहा हूं आपके लिए ये पूरा है यस ये लिक्विड क्या करते हैं सर ये लिक्विड लाइट का रिफ्रैक्शन करते हैं अलाउ द लाइट नॉट टू डेविएट बल टू बट टू स्ट्राइक द रेटिना ठीक है ना लाइट को डिस्पर्जन से बचाते हैं ठीक है अब आगे बढ़ने का काम क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ जाए चलो आपने कहा यस आइए येलो स्पॉट आपने देख लिया मैक्यूलर लुटाई देख लिया आपने यहां देख लेंगे ब्लाइंड स्पॉट भी आपने देख लिया जहां नो सेंस डिगमांड होती है और लेंस मैंने बताया आई का लेंस ठीक है आई का लेंस कैसा होता है ट्रांसपेरेंट होता है फ्लेक्सिबल होता है बाइकॉनकेव होता है ठीक है ना और जस्ट बिहाइंड द पीपल होता है ठीक लीजिए देखिए प्यूपिल है यहां पर ठीक प्यूपिल के पीछे है आई का लेंस ठीक है ना आई के लेंस को जो होल्ड कर रहा है उसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट किससे अटैच है सिलरी बॉडी से दो चैंबर दिखा दिया आपको एक्वस और विट्रस चैम्बर अब आता है आईस की डिजीज वेरी 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 वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई की डिजीज में सबसे पहली डिजीज हम बात करेंगे यस yes, सबसे पहली डिजीज की बात करेंगे नियर साइटेडनेस तो लोग समझते हैं नियर नहीं दिखता है नहीं भाई नियर साइटेड मतलब नियर का दिखता है कंफ्यूज मत करो नियर साइटेडनेस मतलब नियर का दिखता है यस yes, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस अच्छा एक और तरीके से पहचानेंगे कि मायोपिया लिखा है मायोपिया की स्पेलिंग छोटी होती है ना मायोपिया छोटी स्पेलिंग है और ये फार साइटेडनेस हाइप्रोपिया वैसे हाइपर तो कोई भी चीज जब कोई हाइपर हो जाती है तो बहुत बड़ी होती है कहते हैं बहुत हाइपर हो गया मामला मैटर बहुत हाइपर चला गया है बड़ा चला गया है समझ गए आप याद करोगे बड़ा तो फार साइटेडनेस देखो नियर साइटेड में आप नियर की चीज देख पाते हो नियर ऑब्जेक्ट इज सीन देख पाते हो तो दिखता क्या नहीं है भाई नियर साइटेडनेस में दूर की चीज नहीं दिखती है क्या चीज नहीं दिखती है दूर की चीज नहीं दिखती है और इसका इलाज क्या है इसका इलाज है कॉन्केव लेंस कौन सी लेंस से देखोगी कौनकेव लेंस यस याद होगा कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से दिखती है यहां बना दूं आपके लिए यस yes, लेंस ओ, ओ नहीं दिख रही है कलर चेंज कर देता हूं अब दिखेगी? Yes, अब दिखेगी दिखेगी यस कैसी लेंस होती है कॉनकेव लेंस ऐसी लेंस होती है कॉनकेव लेंस ठीक है कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस तो अब आपको दूर का दिखता है दूर का दिखता है तो आप कहते हो फॉर साइटेडनेस स्पेलिंग में मैंने कह दिया हाइप्रोपिया हो गया है पहले इसको हाइपर मेट्रोपिया बोलते थे हाइपर से भी मैंने बता दिया हाइपर हो गया मामला बहुत बढ़ चढ़ गया है मामला तो बता देंगे ठीक है तो लोग दूर का चीज देख पाते हैं पास का चीज नहीं देख पाते हैं इसका उल्टा कर दो यस इसका उल्टा कर दो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखेगा यस आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है ठीक है ना नियर साइट नियर की चीज नहीं दिखती है इस समय अब आता है एस्टेगमेटिज्म क्या होता है सर ये कौन सी बीमारी होती है कई बार आंखों का जो कॉर्निया होता है यस वो कर्वेचर यह जो कॉर्निया जो फ्रंट हिस्सा है वो टेढ़ा मेढ़ा है ये जो आंखों की की आगे की लेयर है ना यस आंखों की मैं दिखा रहा हूं ये आगे की लेयर जो है यस ये क्या हो गई है? हो गई गई है है ठीक क्या हा कॉर्निया क्या हो गया है अनइवन हो गया है उल्टा पुल्टा हो गया है इसमें व्यक्ति को ठीक नहीं दिखता है तो इसका एक इलाज है सिलिंड्रिकल लेंसेज लगाओ कौन सी लेंस सिलिंड्रिकल लेंस लगाओ एस्टेगमेटिज्म हाँ ये थोड़ा एक्साइजेस का मामला भी है एक होता है प्रेस बायोपिया ये तो सबको होके रहेगा आपके मदर फादर को चश्मा लगा है क्या आपके मदर फादर क्या फोर्टी फाइव प्लस के हो गए हैं क्या पता करके कर देख लेना अगर आपके मदर फादर दादा दादी यस जितने भी जो फोर्टी फाइव प्लस के हो रहे हैं आजकल लोग सबको ये प्रॉब्लम आ रही है क्या प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे व्यक्ति ओल्ड हो रहा है यस एकदम दादा दादी वाली बात नहीं कह रहे जैसे व्यक्ति धीरे धीरे एज ओल्ड बढ़ रहे हैं यस उनको पास की चीजें नहीं दिख रही है पता है कि नहीं आपको हाँ, पास की चीजें उनको दिखना बंद हो जा रही हैं तो दिख रहा है मतलब धुंधला दिख रहा है ठीक है पास की चीजें दिख रही हैं धुंधली दिख रही हैं उनको क्या प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम है प्रेस बायोपिया तो ये एजिंग के साथ हो रही है इसका इलाज क्या है वापस कॉन्वैक्स लेंस कौन सी लेंस ये वाली लेंस कॉन्वैक्स लेंस अगर एक टिप याद करने का बताऊं तो सर को कौन सी लगी है मुझे कौन सी लेंस लगी है कॉन्वैक्स लेंस मुझे भी प्रेस बायोपिया हुआ है जी मेरी मेरे जो चश्मा मैंने बताया था ना मैं पास का नहीं देख पाता हूँ कई बार मैंने बताया था कि मुझे पास का नहीं दिखता है हाँ मैं नॉर्मली ऐसे चश्मा नहीं लगा रहा हूं पर जब मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ना होता है या बुक से पढ़ना होता है तो मैं पास की चीज पढ़ने के लिए क्या करता हूँ इसको लगाता हूँ इसमें है प्रेस बायोपिया क्लियर चलो अब याद रहेगा मुझसे तो पक्का याद कर लोगे कि सर को क्या हुआ है ये सर चश्मा क्यों पहनते हैं तो प्रेस बायोपिया हुआ है क्लियर कॉनवैक्स लेंस इसका इलाज है अगला अगला है कैटरेक्ट ये ज्यादातर और एज एज ओल्ड लोगों को हो सकती है ज्यादातर आपके आईज के यस आई के लेंस के आगे आपके आई लेंस के आगे एक ओपेक सी लेयर बन जाती है यस एक ओपेक सी लेयर बन जाती है एक ओपेक सी ले खुशी धराओ जल्दी से झाड़ू मधुमक्खी गई यहां पर जल्दी हटाओ आई के ऊपर एक क्या बन जाती है हा प्लीज आई के ऊपर क्या बन जाती है एक एक ओपेक एक से लेयर आ जाती है इसीलिए व्यक्ति देख नहीं पाता आई लेंस के ऊपर नाम है यस कैटरेक्ट कैटरेक्ट का इलाज क्या है सर्जिकल सर्जिकल मतलब होता है यस सर्जिकल मतलब क्या करेंगे हाँ सर्जिकल मतलब ऑपरेशन कर देंगे ठीक है ऑपरेशन कर सकते हैं उसका इं? ओ गॉड ये क्या मुसीबत है हा एक मधुमक्खी आ गई बी आ गई है जा भाई अरे बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है जा जा माता दे क्या मुसीबत है सब डिस्टर्ब करने आज ही आने वाले थे क्या चल पकड़ा गई ले जाओ ले जाओ हाँ गौन 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 चल हाँ एक मधुमक्खी एक बी आ गई थी मधुमक्खी आ गई थी क्लास में अभी कहा, है? कहा है? तक। अरे उसमें फंसी होगी ना चल ले जा बड़ा मुसीबत है तुम क्या कर रही है सॉरी लेट्स बिगिन हाँ हाँ अब छोड़ दो चलो सो so, पकड़ नहीं पा रही उसको तुम okay. मजाक नहीं करो चलो खिड़का गेज बंद करो नाउ फाइनली गॉन थैंक गॉड हाँ सॉरी फॉर द मेस चलो तो क्या मैंने कहा इलाज क्या है सर्जरी सर्जरी मतलब ऑपरेशन करा दो भाई उसका

विटामिन ए की कमी है तो गाजर खाओ ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ मस्त आंखें बढ़िया हो जाएंगी ठीक है बाकी इसका कोई इलाज नहीं है नाइट ब्लाइंडनेस का रात को रॉड सेल्स आपकी कम फॉर्म हो हो रही इसीलिए रहा है है नेक्स्ट होता कलर ब्लाइंडनेस ये जेनेटिक डिजीज है यस ये जीन्स की प्रॉब्लम है ज्यादातर ये मेल डिजीज है उसको रेड ग्रीन में एक डिफरेंस करना नहीं आता है यस या कुछ कलर को वो क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं एक और बीमारी है नाम है कॉर्नियल ओपेसिटी कॉर्निया जो फ्रंट कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है यस yes, जो बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई है उसमें डिफेक्ट आ जाता है कभी कभी ये डिफेक्ट माइनर इरिटेशन पैदा करता है विजन भी जाने का डर होता है यस कॉर्नियल ओपेस्टी, ओपे क्लियर कॉर्निया में ऊपर फॉर्म हो जाती है स्क्विंट स्क्विंट हिंदी बोले तो भैंगापन कभी कभी क्या करते हैं लोग देखते उधर हैं कहते हैं और गुप्ता कैसे हो अरे देख रहा है बात उससे कर रहा है समझ गए इसे कहते हैं स्क्विंट इसे क्रॉस आई या वाइड आई नाम सुना है क्रॉस आई में आंखें यस इधर देखता है और उधर बात करता है ठीक है और वाइड आई में उधर उधर देखता है आंखें दोनों तरफ उधर होती हैं और देखता बीच में है ठीक है हालांकि ये एक बीमारी है स्क्विंट इसका सर्जरी भी इलाज है यस सर्जरी भी इलाज है और इसकी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं हैं yes, की होती है। Squint को को ठीक करने की शायद आपने सुना भी होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले ऑर्गन के पास नाम है ईयर तो ईयर मतलब सुनने वाला ऑर्गन तो हमारा ह्यूमन ईयर क्या सिर्फ सुनता है नहीं सुनता नहीं है बैलेंस भी करता है ठीक है मतलब आप चलते चलते गिर तो नहीं जाते हो हा?

कमाल का है हमारा ठीक है बड़े कमाल का है हमारा ईयर तो हमारा ह्यूमन ईयर तीन मेजर पार्ट से बना हुआ है ठीक है ह्यूमन ईयर में तीन मेजर पार्ट मिलेंगे आपको यस yes. हमारे ह्यूमन ईयर में तीन मेजर पार्ट मिलेंगे और दो फंक्शन तो आप जान ही चुके हैं हियरिंग और बैलेंस तो तीन डिविजन क्या है सबसे पहला है आउटर ईयर कौन सा ईयर मैंने बोला आउटर ईयर आउटर ईयर में क्या आता है ईयर का पिन्ना आता है पिन्ना इसको कहते हैं बाहर का जो राउंड राउंड है यस yes. देखेंगे राउंड राउंड ये कभी सोचा है राउंड राउंड क्यों है ऐसा और ऐसा बड़ा सा क्यों है ताकि साउंड वेव्स को वाइब्रेशंस को ट्रैप कर ले देखा अंदर से राउंड राउंड बना हुआ है ना यस इसीलिए और उसके बाद क्या है ईयर कैनाल है ठीक है ना एक पैसेज है अंदर जाता हुआ नाम है ईयर कैनाल और उसके बाद क्या है ईयर ड्रम ये तीन पार्ट मिलकर बने हैं हमारा यस देखना चाहते हो तीनों पार्ट आओ मैं तीनों पार्ट तुमको दिखाना भी चाहूंगा ये रहा हमारा ओ ओ, ओ डायग्राम को करना पड़ेगा बड़ा और करना पड़ेगा ये थोड़ा भयानक लग रहा है कान ये रहा ये रहा आपका पिन्ना बाहर वाला हिस्सा ये रहा ईयर का कैनाल और कैनाल के बाद ये क्या हुआ कैनाल और कैनाल के बाद आ गया यस कैनाल के बाद आ गया ईयर ड्रम ठीक है तीन पार्ट है इसके अंदर वापस आता हूं पीछे अगला पार्ट मिडिल पार्ट की बात करते हैं आउटर ईयर तो हो गया मिडिल पार्ट की बात करते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर यस मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में सबसे छोटे छोटे यस बॉडी के बोन पाए जाते हैं मेलियस इनकस स्टेप्स या हम लोग इसको कहते हैं ईयर ऑसिकल क्या बोलते हैं इसको ईयर ऑसिकल रहा ईयर ऑसिकल्स मेलियस इनकस टेप्स हैमर एनविल स्टिरप क्या हैमर एनविल स्टिरप और क्या मौजूद है इसके अंदर मिडिल ईयर में यूस्टेशन ट्यूब है ये क्या करता है ये प्रेशर बैलेंस करता है थ्रोट थ्रोट और ईयर को कनेक्ट करता है कान में कभी दवा डालवाई है आपने अगर ईयर में ईयर ड्रॉप डलवाया है तो उसका स्वाद भी चेयर मुंह में आ जाता है कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास यह है यूस्टेशन ट्यूब यह प्रेशर बैलेंस का काम भी करता है मिडिल ईयर को ध्यान सुनिएगा मिडिल ईयर को और आपके थ्रोट को कनेक्ट करता है यू ट्यूब ट्यूब कान का प्रेशर भी संभालता है और और क्या है ओवल विंडो और राउल विंडो है क्या यहां पे कोई खिड़कियां लगी हैं क्या हरे जैसे खिड़की होती है ना कहीं से पॉइंट को एंटर करने के लिए वैसे ये मिडिल ईयर को इनर ईयर को ज्वाइन करने वाले विंडो होते हैं ओवल एंड राउंड विंडो ठीक है देखना चाहोगे अभी मैं दिखाता हूं ये रहा ओवल एंड राउंड विंडो स्ट्रक्चर को कर देता हूँ आपके लिए बड़ा ये रहा ये रहा ये रहा ईयर ड्रम ड्रम के बाद रहा हैमर

सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल आइए तीनों को एक एक करके देखें मेरे पास ये डायग्राम बहुत सिंपल और अच्छा है ये वाला डायग्राम देखिए ये आपकी बुक से लिया गया है ध्यान से देखेंगे तो आपको तीनों पार्ट इनर ईयर में दिखाई देगा एक बार ईयर ऑसिकल यस एक बार ईयर ऑसिकल टच कर गया ये देखिए रे ओवल विंडो यहां पर ओवल टच कर गया यहां से शुरू हो जाएगा इंटरनल ईयर ठीक है सबसे पहले आप देखिए कॉकीलिया कीलिया को देख करके आपको स्नेल की याद आ जाएगी किसकी स्नेल की याद आ जाएगी स्नेल याद है आपको एक ऐसा जानवर होता था जो अपना घर भी कैरी करता है ना ये ऐसा दिखता है राउंड 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 है ना क्या है ये येलिया स्नेल जैसा दिखता है ठीक है राउंड 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 पार्ट है यस यही सबसे मेजर पार्ट करता है हियरिंग में कौन सबसे मेजर पार्ट ऑफ हियरिंग का फंक्शन जो है वो कॉकिलिया के पास है और दूसरा पार्ट है कौन सा वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल दो पेंट पार्ट से मिलकर बने हैं यूट्रिकुलस और सेक्युलस किससे बने हैं यूट्रिकुलस और सेक्युलस ये स्टैटिक बैलेंस करते हैं कौन सा बैलेंस करते हैं सर स्टैटिक बैलेंस करते हैं स्टैटिक बैलेंस मतलब जब आप आराम कर रहे होते हो यस yes, जब आप बैठे होते हो तो गिर नहीं जाते हो ठीक है ना सर कौन गिरता है हाँ छोटा न्यूबॉर्न बेबी है उसको बैठा के दिखाओ एकदम न्यूबॉर्न बेबी है इधर गिर जाएगा लुढ़क जाएगा उधर लुढ़क जाएगा इधर लुढ़क जाएगा, जाएगा समझ गए स्टैटिक बैलेंस नहीं है ठीक है जब आप भी छोटे थे तो स्टैटिक बैलेंस नहीं था ठीक है आपकी हड्डियों की मालिश की गई है तो स्टैटिक बैलेंस आया तो वेस्टिब्यूल यस करता है आपको स्टैटिक बैलेंस देता है क्लियर वेस्टिब्यूल दोनों से मिलकर बनाए से मिल गया आपको देखिए अच्छा यूट्रिकुलस किस किसको ज्वाइन करता है कॉकीलिया को ज्वाइन करता है विद सेमी सर्कुलर कैनाल जो नाम है वो काम है फिर से मैं कह रहा हूं जो नाम है वो काम है Yes. लगता है कि किसी ने क्या कर दिया है सर्कल का आधा कर दिया है सेमी सर्कल और कैनाल बना दिया है. बन तो गया देखिए अब इस कैनाल के बेस में है एम्प्यूला देखिए नीचे से देखिए बेस थिक है दिख रहा है आपको ये एम्प्यूला क्या करता है डायनेमिक बैलेंस अर्थात जब आप मोशन में होते हो तब भी आपको क्या करता है गिरने या लुढ़कने नहीं देता है

ठीक है क्यों लोग इंजॉय करते हैं वो जॉन्ट व्हील में जाना या वो बटरफ्लाई या मेरीगोराउन झूलने गए हो कि नहीं डिजनी लैंडवैंड में गए हो हाँ बड़े बड़े झूलों में वो इसी को मजा देता है थोड़ी देर के लिए लोग इंजॉय भी करते हैं ठीक है अब आते हैं मेन यस मेन आ रहे हैं कोकिलिया के पास क्योंकि कॉकिलिया ही इयरिंग हियर ऑफ हियरिंग करता है यस मेन हयरिंग का फंक्शन कॉकिलिया कर रहा है थोड़ा ध्यान से देखेंगे कोकिलिया को कॉकीलिया में तीन लेयर पाई जाती है कैनाल मीडियन कैनाल और टिमफेनल सबसे मेन है इसमें कौन सा मीडियन कैनाल थोड़ा मीडियन कैनाल को ध्यान से देखिए मीडियन कैनाल क्या प्रोड्यूस करता है मीडियन कैनाल बनाता है बैसिलर से जनरेट होता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या ऑर्गन ऑफ कॉटाई और सारा सेंस ऑफ हियरिंग इसी के पास है ऑर्गन ऑफ कॉटाई कैसा होता है ये हेयर लाइक पार्टिकल होता है कैसा दिखता है यस yes. बालो जैसा होता है हेयर लाइक पार्टिकल होता है लिखा है ना इट सेंसरी हेयर सेल्स और मैंने कहा कान की सुनने की क्षमता इसी हेयर लाइक वाइब्रेशन में है यहां पे मौजूद है क्या लिक्विड कौन सा लिक्विड मौजूद है यहां पर यस yes. यहां पर है मौजूद लिक्विड यस इसी लिक्विड यस yes, के वाइब्रेशन से यस yes. इसी लिक्विड के वाइब्रेशन से ये ऑर्गन ऑफ कॉटा वाइब्रेट करता है समझ गया ना और ये इंपल्स ले जाता है ब्रेन ब्रेन तक तक जो इंपल्स ले जाता है उसका नाम है ऑडिटरी नर्व फाइबर यस ये इंपल्स ब्रेन तक ले जाता है और बताता है कि सर का लेसन तुम सुन रहे हो जी कैसे पता चला कि मेरी आवाज है यस yes, आंखें बंद भी कर लो अब तब भी आप मेरी आवाज से यस yes, इसको पहचान जाओगे कि सर तरुण रूपानी समझा रहे हैं ठीक है ना तो आपके ब्रेन में मेरी आवाज फीड हो गई है इस ऑडिटरी नर्व फाइबर की वजह से और ये ऑडिटरी नर्व फाइबर किससे जुड़ा हुआ है Bacal membrane. Bacal membrane में क्या है बैसल ऑफ कॉटाई यहीं पर है सेंस ऑफ हियरिंग कहां मौजूद है मीडियन कैनाल के सारा अंदर ठीक है ना यहां पर यस इसी जगह हो रहा है सारा सेंस ऑफ हियरिंग तो चलो क्लियर हो गया अरे अरे ये कहा भाग गया क्लियर हो गया ठीक है Is clear. क्या कहते हो इज क्लियर अब देख ले इंटरनल फंक्शन करता है hearing, मैंने बता दिया और है Balancing, static balance करता है करता कौन और जिनको मिला के बोलते हैं वेस्टिब्यूल हाँ आप इसके बदले वेस्टिब्यूल लिखोगे चलेगा और डायनेमिक बैलेंस के लिए क्या आ जाएगा एमप्यू क्या कहते हो तो इस तरीके से आपने फिनिश कर दिया अपना सेंस ऑर्गन छोटा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है डायग्राम की लिबलिंग आई की शोर शॉट हंड्रेड परसेंट इसका एक क्वेश्चन बनता है चलिए आगे बढ़ने का काम नहीं रुकेंगे हम स्क्लेरा स्कले क्लवर्ड थिन ट्रांसपेरेंट बाटरी स्क्लेरा के ऊपर भी एक लेयर है यस yes. स्क्लेरा के ऊपर भी लेयर है क्या नाम है स्क्लेरा के ऊपर yes. तो स्क्लेरा है, सर आपने बताई थी आपने तीन लेयर बताई थी रेटिना यही तीन बताई थी पर मैंने कहा था स्क्लेरा के ऊपर भी एक लेयर है पर ये लेयर पूरी आंखों के अंदर तक नहीं है सिर्फ आउटर लेयर पे सब फ्रंट पे उससे पे है कॉन्जेक्टिवा तो अगर आपका जवाब है कॉन्जेक्टिवा ऑप्शन डी यू आर सुपर पर ये भी बता दो मुझे कॉन्जेक्टिवा में एक वायरल इंफेक्शन होता है उसका नाम क्या है वॉट इज दी वायरल इंजेक्शन ऑफ कॉन्जेक्टिवा कॉल्ड चलो जल्दी बता दो करेक्ट कॉन्जेक्टिवाइटिस द ब्लैक डॉट इन दिडल ऑफ दी आई यस मैंने आपको आई दिखाया आई में दिखाया yes, ये रही, आई, आई में दिखाया आईरिस, आईरिस के बीच में एक काले रंग का डॉट होता है इस डॉट को क्या बोलते हैं यस yes, यही अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करने का स्पेस होता है अगर आपने कहा सर पीपल यू आर रियली माई पीपिल हां पीपिल वैसे स्टूडेंट भी होता है ना यस लव यू फॉर योर आंसर चलो अगला रुकेंगे नहीं जेलीलाइक फ्लूड यस दो तरह के फ्लू प्रेजेंट है हमारी आंखों के अंदर ठीक है और विट्रस और एक्वस में मौजूद है जानते हैं आप तो उन फ्लूड का यस जेलीलाइक फ्लूड कहां मौजूद है आंखों के अंदर हा मैंने बताया था आपकी आईज में लेंस के आगे एक फ्लूड है लेंस के पीछे एक फ्लूड है लेंस कुछ इस तरीके से है लेंस के आगे यस yes. लेंस के आगे भी एक फ्लूड है ठीक है लेंस के आगे भी एक फ्लूड है क्या नाम है इस फ्लूड का एक्वस क्या एक्वस स्पेलिंग मत जाओ हाँ एक्वस एक्वस ह्यूमर ये जो लिक्विड है ये यस yes. ये ये वॉटरी लिक्विड है कैसा वॉटरी और जो पीछे वाला जो लिक्विड है यस पीछे वाला आई लेंस के पीछे यहां पे जो लिक्विड है उसका नाम है विट्रस ह्यूमर क्या विट्रस ह्यूमर विट्रस चैम्बर है इसीलिए इसका नाम है विट्रस ह्यूमर ये फ्लुविड ही जेली लाइक है डेंस जेली लाइक है ठीक है तो विट्रस ह्यूमर अगर आप कह देते हैं तो आपका आंसर लिख रहे हो ना टाइप कर रहे हो ना सब लोग देखो भाई लिखना पड़ता है तभी मजा आता है यस टू वे होना चाहिए अच्छा हमारी आंखें सबसे नजदीक का जो चीज देख पाती है क्या जानते हैं वो डिस्टेंस कौन सा होता है लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंग उससे नजदीक देखोगे तो क्या होगा उतना नहीं दिखाई देगा आपको पता है कि नहीं सबसे नजदीक डिस्टेंस कितना हमारी आंखें देख सकती हैं सबसे क्लियरली हाँ क्या कहते हो यस yes, मैसे नंबर आपको नहीं मालूम होगा मैं फिर भी बता देता हूँ वो नंबर है 25 सेंटीमीटर क्या आपको इससे पहले का डिस्टेंस दिखाई देता है कहोगे सर हाँ 25 से कम भी दिखते हैं दिखता है पर तब आपकी आंखें क्या होती है पेनफुल रहती हैं नॉर्मल विजन होना चाहिए सबसे कम कमेंटी फाइव सेंटीमीटर से पास की चीज रख के मत दिखा करो अगर आप बहुत नजदीक किताब रख के लर्न कर रहे हो पढ़ रहे हो तो प्लीज डू नॉट डू दिस आपकी आई साइट खराब हो जाएगी ठीक है लीज डिस्टेंट कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर नेक्स्ट यू स्टेशन ट्यूब मैंने बताया था मिडिल ईयर को यस yes, बीच वाले कान के बीच वाले हिस्से को यस yes, थ्रोट से कनेक्ट करता है और क्या करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है कहाँ है क्या लिखा है यू स्टेशन ट्यूब का फंक्शन पूछा है बताइए यू स्टेशन ट्यूब का फंक्शन इक्वलाइजेज द प्रेशर किसके बीच में मिडिल ईयर के और एटमोस्फेयर के और क्या करता है कनेक्ट करता है मिडिल ईयर टू थ्रोट सही है फायरिंग थ्रोट का हिस्सा होता है तो थ्रोट को यस yes, थ्रोट को और मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है और कनेक्ट एक्सटर्नल टू इंटरनल ईयर ये भी सही है क्योंकि मिडिल ईयर का पार्ट है इनर ईयर और आउटर ईयर को कनेक्ट करता है इसका मतलब हो गया पर ये ये इनर ईयर आउटर ईयर को मिडिल ईयर करता है सिर्फ है हाँ ना ये मिडिल ईयर करता है मुझे लगता है ये ये वाला पार्ट पूरी तरह से ठीक नहीं है मिडिल ईयर वर्ड होता तो मैं मान लेता तो पर आपका क्योंकि ए और बी दोनों एक्यूरेटली सही है क्या करता है प्रेशर को बैलेंस करता है दूसरा क्या करता है आपके मिडिल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करता है ये दोनों तो बार बार सही है तो आपका पॉइंट डी वाला डी वाला पॉइंट एप्सुलटी राइट होगा चलो मतलब सी गलत है क्योंकि सी में मिडिल ईयर शब्द नहीं है ना इसीलिए नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग साउंड यस साउंड को बैलेंस करने वाला ऑर्गन कौन सा है हाँ आपके बॉडी में यस ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ साउंड साउंड बहुत ज्यादा यस yes, या बहुत कम अगेन ये है यूस्टेशन ट्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है ठीक है यूस्टेशन ट्यूब आपके बॉडी का साउंड बैलेंस चेक करता है ठीक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यह सेंसरी ऑर्गन है बहुत इंपॉर्टेंट विच पार्ट ऑफ दी कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट आपके आंख में कितनी लाइट जाएगी कौन कंट्रोल करेगा लेंस नहीं आयरिस नहीं प्यूपिल हाँ बताया था ना प्यूपिल क्या होता है एकदम सेंटर में होल होता है ठीक है ना आयरिस और ये रही आपकी आंखें अरे बाप रे सर तो बड़ी भयंकर बड़ी आंखें हैं यस ये पूरा है आपका कॉर्निया कॉर्निया में मौजूद है आयरिस आयरिस के अंदर है यस प्यूपिल तो आपका जवाब अमाउंट ऑफ oh, कौन कंट्रोल करता है कंट्रोल कौन करता है तो जवाब होना चाहिए ये 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 कंट्रोल करता है ये रेडियल मसल होती है है ना ये एक तरह की सिलेंड्रिकल रेडियल मसल होती है जो क्या करता है यस yes, मैंने दिखाया था ना राउंड सी मसल होती है जब ये स्प्रेड हो जाता है तो प्यूपिल प्यूपिल कोई मसल नहीं है प्यूपिल वो स्पेस है वो स्पेस है जहां से लाइट एंटर कर रही है तो आपसे पूछा कौन कंट्रोल करता है तो आपका जवाब प्यूपल नहीं करेक्ट प्यूपल नहीं आपका जवाब आयरिस होना चाहिए क्या योर आंसर शुड बी यस पार्ट कंट्रोल हाँ अमाउंट ऑफ लाइट कितनी जाएगी ये प्यपल डिसाइड करेगा ठीक है प्यूपल बड़ा हो जाएगा ज्यादा लाइट जाएगी प्यूपल कम जाएगा पर प्यूपल को कौन कंट्रोल कर रहा है भाई प्यूपल को कौन कंट्रोल कर रहा है आयरिस आयरिस बड़ा हो जाएगा तो पीपल की स्पेस बड़ी हो जाएगी चलो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन मैंने कहा ना इतना घुमा देता है कि आप क्या करते हो दोनों मिलता वन लग रहा था है कि नहीं है थोड़ा सा इसीलिए अलर्ट हो जाएंगे इस पे विच पार्ट ऑफ आईज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर कलर सी से कलर ठीक है और सी से कॉन्स क्या सी से कलर सी से कॉन्स तो कॉन्स क्या करता है कलर लाइट जी आइस की रेटिना का कलर पार्ट यस क्या मौजूद होता है उस पिगमेंट का नाम क्या है जो कॉन्स में पाया जाता है हाँ कमेंट बॉक्स पे लिखो नेम पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन कॉन्स कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं कॉन्स में हाँ मैंने बताया है पीछे भी चेक करके देख सकते हो मैंने बताया है वीडियो में हाउ कैन पीपल कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट जब वो पास का नहीं देख पाते हैं तो जब पास का नहीं देख पाते हैं तो उन्हें दूर का यस दिखाई दे रहा है जब दूर का दिखता है तो उसे कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस क्या बोलते हैं उसे लॉन्ग साइट दृष्टि। लॉन्ग साइटेडनेस का दूसरा नाम है यस हाइपर मेट्रोपिया आजकल उसको हाइप्रोपिया भी बोलते हैं यस हाइप्रोपिया यस नया नाम आ गया है हाइपर मेट्रोपिया के बदले हाइप्रोपिया ठीक है और मैंने एक आसान तरीका बताया हाइपर हाइपर हो गया मामला आज बड़ा हो गया मामला आज समझ गए नियर ऑब्जेक्ट हो गया ना चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट अकोमोडेशन हमारी आईज की एक एबिलिटी होती है यस आईज में होती है मसल्स सीलरी मसल्स तो आई की लेंस को वो छोटा पतला बड़ा कर सकती है तो हम दूर का भी ऑब्जेक्ट देख लेते हैं और नजदीक का भी ऑब्जेक्ट देख लेते हैं तो आईज की एबिलिटी फार एंड नियर ऑब्जेक्ट्स को यस yes, एक साथ देख पाने की अकोमोडेशन कहलाती है ठीक है हमारी आई का फोकल लेंथ एडजस्ट किया जा सकता है ऐसा करने में मदद करती है उसे सिलरी लेंस है ना सिलरी लेंस सॉरी सिलरी मसल्स नेक्स्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेड्नेस पास का पास का नहीं दिखता दूर का दिखता ठीक है तो क्या इलाज है कौन लगा देंगे नेक्स्ट बायोपिया, ये मैंने कहा था सर तरुण को हो चुका है यस ये वो बीमारी है जिसमें क्या होगा जैसे जैसे पर्सन एज ग्रो करने लगेगी यस मैंने इसीलिए कहा आपके मदर फादर आपके दादा दादी यस जो 45 प्लस हो रहे हैं उनको ये बीमारी होने वाली है क्या होना है इसमें नियर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे दिखना कम हो जाएंगे ऐसा नहीं है कि आदमी ब्लाइंड हो जाएगा पर नियर ऑब्जेक्ट दिखना धुंधले हो जाएंगे दूर का ऑब्जेक्ट देखना आसान हो जाएगा है ना इनको पहनना पड़ता है क्या कॉन्वेक्स लेंस वैसे बायफोकल लेंस ज्यादा बेटर माना जाता है चलो आगे वट इज द द फंक्शन ऑफ दिमल ग्लैंड टीयर ग्लैंड टीयर ग्लैंड क्या करता है टीयर ग्लैंड आपके यस yes, आई के अपर साइडवर्ड में लोकेटेड है हाँ ना आपके आई के सॉकेट में लोकेटेड है सिक्स टू ट्वेल्व डक्ट्स होते हैं जो टीयर प्रोड्यूस करते हैं क्या टीयर प्रोड्यूस करते हैं टीयर के फंक्शंस आपको आते ही हैं टीयर आपके आई को वॉश करता है जर्म को क्लीन करता है लुब्रिकेट करता है इमोशंस बताता है नेम एंड एज ओल्ड आई डिफेक्ट एज ओल्ड आई डिफेक्ट एक ऐसी बीमारी जो एज से यस yes, डिपेंडेंट है यस yes, एक सर्टन एज के बाद ये हर व्यक्ति को अब होना ही होना है हमारा खान पान भी अब इतना स्ट्रांग नहीं रहा अब इतना शुद्ध कहां खा रहे हैं अब जितना भी है सब यूरिया का ग्रो किया हुआ खाना खा रहे हैं है कि नहीं है तो ये डिफेक्ट तो सबको आना है यस प्रेस बायोपिया ठीक है ना इसको डिस्कस कर चुका हूं नेक्स्ट समटाइम्स यू रिमेंबर अ विविड पिक्चर कभी कभी कोई ऐसी चीज जो तुम ड्रीम में देखे होते हो पर फिर भी तुम्हें याद आ जाती है वट इज द रोल ऑफ योर आईज तो एक्चुअली होता क्या है हमारा ब्रेन वही चीज देखता है जो हमने दिन भर में देखा होता है यस yes, हम इसको कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन ठीक है ना हमारा ब्रेन उस चीज़ को याद रखता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसकी इमेज बना पाता है हाँ जिस चीजों के बारे में तुम दिन भर दिन कुछ एक्टिविटीज़ करते हो उसी टाइप के सपने आपको रात आते हैं या जिस बारे में तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो हाँ आपके सपने वैसे ही होते हैं मुझे बताना जरूर टेल मी अबाउट योर ड्रीम्स इन दैट केस बाय क्लोजिंग द आई एंड जेंटली प्रेसिंग दैम को बंद करो और ऐसे दबाओ है ना तो आपको क्या होगा कुछ चमकीली लाइट महसूस होगी कुछ सेंसेशन महसूस होगा इवन वेन देर इज नो लाइट एंट्रिंग ऐसा क्यों है तो एक बहुत सिंपल सा रीजन बताया है, जब आप आई को प्रेस करते हो तो कुछ पीरियड के लिए यस एक परसिस्टेंट इमेज क्या परसिस्टेंट इमेज आफ्टर इमेज फॉर्म होती है जो कि वन टेंथ ऑफ सेकंड के लिए होती है ठीक है नेक्स्ट आता है यू डू नॉट इन्जॉय मूवी फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस सिनेमा में क्यों लोग पीछे की गोल्ड टिकट क्यों लेना चाहते हैं या बॉक्स की टिकट क्यों लेते हैं आगे सिल्वर मिलती है ना सिनेमा हॉल में क्यों सिनेमा में सिल्वर क्यों नहीं टिकट लेते हैं तो रीजन बहुत सिंपल से दिया हुआ है जब आप बहुत नजदीक से देखते हो तो शॉर्ट डिस्टेंस में ब्लरिंग इमेज का कॉज होता है और तो और हमारी आइज बनी है क्या करने के लिए डिस्टेंट इमेज को फोकस करने के लिए ठीक है ना और आई का कर्वेचर यस आई का कर्व एंगल ऐसा है कि अगर ब्रेन को बिना स्ट्रेन दिए हम देखना चाहते हैं तो थोड़ा क्या करिए डिस्टेंस बना लीजिए इसलिए मम्मी पापा आपको डांटते होंगे इतना पास से पढ़ रहे हो आंख खराब हो जाएगी या टीवी नजदीक से देखते हो तो भी डांटते होंगे मम्मी पापा हाँ पूरा समय टीवी देखते रहो तो इतना पास से आंख खराब हो जाएगी रीजन यही है आई को स्ट्रेन पड़ता है रेटिना पे स्ट्रेन पड़ता है ठीक है नेक्स्ट आता है नेम थ्री ईयर ऑसिकल मैंने बताया था मिडिल ईयर के ये तीनों पार्ट है मेलियस इनका स्टेप्स हैमर एनवल स्टिरप ठीक है ना और हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग मैंने बताया था ये कनेक्ट करते हैं इनर ईयर को आउटर ईयर से कनेक्ट करता है मिडिल ईयर ठीक है ना ये क्या करते हैं ये वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करते हैं आउटर ईयर से जो ट्रांसमिशन आती है जो वाइब्रेशंस आउटर ईयर से अंदर जा रही है उसको ले जाते हैं इनर ईयर तक है ना किसके थ्रू ओवल विंडो के थ्रू ठीक है ना तो ईयर ऑसिकल उस वाइब्रेशंस को कई गुना यस yes. मैग्निफाई कर देता है कई गुना उस आवाज को उस हल्की सी भी आवाज को मैग्नीफाई कर देता है ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे व्हाट इज द शेप ऑफ द लेंस ड्यूरिंग नियर विजन एंड डिस्टिंक्ट विजन देखिए जब नियर विजन होगा नियर विजन मतलब जब आप पास की चीज देख रहे होंगे तो आई लेंस फ्लैट एंड होती है मतलब ऐसे होती है इसे कहते हैं फ्लैट एंड और जब क्या होगा दूर की चीजें देखेंगे तो आई लेंस राउंडेड हो जाती है यह है टू राउंडेड कब कब राउंडेड हो जाएंगी जब डिस्टेंट दूर का देखना होगा और नियर देखना होगा तो यस फ्लैट एंड दिस ब्रिंग्स द एंड ऑफ द डे

एंड थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स थैंक यू फॉर योर स्पीचेस और याद रखिएगा क्लास इलेवेंथ में आपने कह दिया है कि सर क्लास इलेवंथ के सेशंस आप बनाइए यस वी वांट टू टेक सीबीएसई वी वांट टू टेक सी वी वांट बट योर क्लासेस अगर ऐसा आप कहते हो तो वही एनर्जी वही ताकत के साथ फिर फोड़ेंगे यस yes, फिर करेंगे हंगामा क्लास इलेवेंथ में भी सो so, अगर आप हैं साथ तो डरने की क्या है बात सो थैंक यू एंड लव यू ऑल द बेस्ट